Assalamu alaikum, grade 9 students. Indices past paper question. This is the last video. These are the last 8 questions. And I hope you all have seen the previous two videos. Agar nahi dekhi hai to unko dekh lo. And I told you in the first video that you have to copy all these questions in your registers. Isko apne registers mein aapko solve karna hai. Theek hai, inko try karo khud se. Agar ye nahi hote to you can take the help of these videos as well. Jaldi se ye last 8 questions bhi discuss kar lete hain. Part Q mein usne hame jo hai wo एक इक्वेशन दी हुई है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसेस का जो हमने टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि कभी कभार आपको वो इक्वेशंस भी ऐसी दे देता है जिसमें पावर्स होती है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो ए है हमारे पास और जो कि पावर में है तो वी हैव टू सॉल्व इट बाई यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस. तो मैं देख सकता हूँ कि इस साइड पे वी हैव एक लॉ अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास बेसिस सेम है और दोनों डिवाइड हो रही है. तो हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं और डिवाइड हो रही होती है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो मैं जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस. तो लॉ में इसमें इस क्वेश्चन में लॉ इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि आई हैव टू मेक वन बेस ऑन बोथ द साइड. क्योंकि हमने इन तरह के क्वेश्चन जब किए थे इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसेस में तो आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक अ कॉमन बेस. तो यहाँ 3 तो है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इस साइड पे सिर्फ एक 3 है और यहाँ जो है वो 2 3 है. तो मुझे जो है वो इसको एक बनाना पड़ेगा. फॉर दैट आई कैन यूज द लॉ. सेकेंड लॉ मैं यूज कर सकता हूँ जिसमें बेसिस हमारे पास सेम होती है और डिवाइड हो रही होती है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स. तो इसको मैं बाय यूजिंग दैट लॉ आई कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. तो उसके लिए मुझे जो है वो बेस एक बार लिखनी पड़ती है और जो है वो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ए माइनस 4 इस पर आ जाएगा और फिर इक्वल्स टू जो दूसरी साइड है वहाँ 3 स्क्वायर लिखा हुआ आएगा. और ये वो स्टेप आ गया जहाँ मैं कहता था आपसे कि इफ द बेसिस आर इक्वल द पावर्स मस्ट ऑल्सो भी इक्वल. क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन है और इक्वल्स टू का मतलब होता है जो जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो बिल्कुल द थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अदर साइड उसके बराबर है. इसका मतलब है कि सिंस वी हैव सेम बेसिस यहाँ भी 3 है बेस में और यहाँ भी 3 है बेस में सो दिस मीन्स द पावर्स मस्ट ऑल्सो भी इक्वल. तो मुझे पावर्स को भी इक्वल करना पड़ेगा और जब मैं पावर्स को इक्वल करूंगा तो ए माइनस 4 इसकी पावर है और इसकी पावर जो है वो 2 है तो ए माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 2. और फिर ये माइनस 4 को जब मैं नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा और ये 4 जो है वो 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. तो ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 6. तो दैट वाज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसेस का टॉपिक था उसमें हमने ये क्वेश्चंस किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसेस का ही है. द ट्रिक इज ऑल्सो द सेम. वी हैव टू मेक अ कॉमन बेस. यहाँ 2 है और यहाँ 8 है तो आई हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस 8 इंटू 2 के किसी पावर में मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और मुझे पता है कि 2 का क्यूब जो होता है बेसिकली वो 8 के बराबर होता है. तो आई विल राइट 2 क्यूब इन प्लेस ऑफ 8 और जो उस पर पावर बी थी उसको मैं एग्जैक्टली ब्रैकेट के बाहर उसी तरह लिख दूंगा. और नेक्स्ट साइड पर मुझे पता है कि आई डोंट हैव टू डू एनी थिंग. यहाँ सिर्फ 2 है और चूंकि कोई पावर नहीं है तो मैं इसकी पावर में 1 लिख देता हूँ. अब यहाँ जो है वो एक बेस पे 2 पावर्स हैं इसका मतलब है कि ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं. तो 3 मल्टीप्लाई बाई बी विल बी 3b और वहां जो है वो इक्वल्स टू 2 to the power 1 हो जाएगी. और फिर मैं वही बात बोलूंगा कि व्हेन द बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड द पावर मस्ट आल्सो बी इक्वल. इसका मतलब है कि 3b जो है वो 1 के बराबर होगी. एंड इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो आई हैव टू शिफ्ट दिस बी. मुझे जो है वो 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा. तो शिफ्ट करूंगा 3 को तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता जाके डिवाइड हो जाएगा तो द वैल्यू ऑफ बी विल बी 1/3. तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसेस के क्वेश्चन में यू हैव टू मेक द बेस सेम. जब बेस सेम हो जाए तो उसके बाद आप जो है वो पावर्स को इक्वल करके अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो. पार्ट एस पे चलते हैं. पार्ट एस में वी हैव 9/t6 पावर हाफ. तो मैं जो है वो दोनों को पहले पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. तो दिस विल बी 9 पावर हाफ और t6 को भी पावर हाफ दे देते हैं. तो t6 चूंकि 2 पावर्स हैं तो वी विल यूज अ ब्रैकेट. t6 को भी मैं पावर हाफ दे देता हूँ तो ब्रैकेट के बाहर जो है वो पावर हाफ आ जाएगी. और हाफ का मतलब मुझे पता है रेशनल इंडाइसेस है. हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट. और 3 जो है 9 का स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करो जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 9 आए. तो 3 इज दैट नंबर. और यहाँ से ये 2 times 1 और 2 times 3 6 हो जाएगा. तो ये सिम्प्लीफाई होने के बाद t³ हो जाएगा. तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3/t³. पार्ट टी में हमें क्यूब रूट ऑफ 216 फाइंड आउट करना है. हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आना चाहिए. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 125 होता है.
और जब आप 6 को चेक करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सो दैट विल बी 216। इसका मतलब है इसका आंसर 216 आ गया। इस पे ज्यादा जो है वो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। पार्ट यू में वी हैव 16 हाफ, हाफ का मतलब रैशनल इंडाइसेस, रैशनल इंडाइसेस का मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द रेडिकल साइन। अगर रेडिकल वाले टाइप से नहीं कर रहे तो वी कैन राइट 16 एज 4 स्क्वायर, हम 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जो बाहर पावर हाफ है उसका 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। और यहाँ मैं 0 इंडाइसेस का जो है वो लॉ यूज कर सकता हूँ, 16 पावर 0 विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि मुझे पता है किसी की भी पावर 0 होती है आंसर 1 आता है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 1 जो है वो 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 जो है वो आपका फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 इसका जो है वो आंसर हो गया। पार्ट बी में थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है। पार्ट बी जैसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको यही बताया कि यू हैव टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट फर्स्ट, पहले ब्रैकेट में जो जो चीज है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो पावर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इसको जो है वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रैकेट में क्या क्या चीजें हमारी सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो 3 और 4 जो है वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 4 इज 12, और ए स्क्वायर ऊपर है नीचे ए है, तो मैं यहाँ जो है वो इंडाइसेस का लॉ भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं जो है वो ए को 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेम बेसिस है तो वो डिवाइड हो जाएंगी, तो ए जो है वो 2 माइनस 1 हो जाएगा। और अगर मैं बी को लिखना चाहूँ तो बी पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है पावर 1 है, तो 1 हो जाएगी और ये माइनस 4 हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बी भी है, और फिर जो है मेरे पास डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली 4 बच जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो मैंने इंडाइसेस के लॉ के जरिए से सिंप्लीफाई कर दिया, एंड द होल पावर विल बी माइनस 2। नाउ आई नो दैट 2 माइनस 1 जो है वो मेरे पास ए हो जाएगा, और 1 माइनस 4 विल इक्वल्स टू माइनस 3, एंड देन आई हैव बी, और 4 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इस सब की जो होल पावर है वो माइनस 2 है, वो नेगेटिव 2 है, तो मुझे जो है वो पावर को पॉजिटिव करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू फ्लिप द फ्रैक्शन। जब मैं फ्रैक्शन को फ्लिप करूंगा पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4 मेरे पास ऊपर आ जाएगा और ए की पावर 1 और बी जो है वो माइनस 3 एज इट इज जो है वो नीचे चला जाएगा, और मेरे पास अब पावर जो है वो बेसिकली स्क्वायर हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। नाउ आई हैव टू गिव द पावर, सबको पावर देनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट पावर दे देता हूँ, 4 स्क्वायर विल बी 16, तो मेरे पास न्यूमरेटर में 16 आ जाएगा। ए को जब स्क्वायर दूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी को जब माइनस 3 पावर को स्क्वायर करूंगा तो बी की पावर माइनस 6 हो जाएगी। और अगर इफ़ यू वॉन्ट टू शिफ्ट दिस बी, अगर आप इस नेगेटिव पावर को हटाना चाहते हो तो आपको बी को फ्लिप करना पड़ेगा, बी ऊपर जाके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसका आंसर 16b6 अपॉन ए स्क्वायर भी लिख सकते हो बिल्कुल। तो बोथ आंसर था करेक्ट, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ देते हो तो दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो मैंने जो है पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट में जो चीज़ें थी वहाँ मैंने इंडाइसेस का लॉ यूज़ किया डिवीजन वाला, और मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया बाय फ्लिपिंग द फ्रैक्शन, 4 जो है वो न्यूमरेटर में आ गया, ए की ए 1 और बी माइनस 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। सिंस स्क्वायर पावर था तो मैंने स्क्वायर सबको दिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ए को जब स्क्वायर मिलेगा तो दिस विल बी ए स्क्वायर, और बी माइनस 3 को जब स्क्वायर मिलेगा तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मेरे पास बी की पावर माइनस 6 आ जाएगी। इधर आप ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव यू जस्ट हैव टू फ्लिप इट, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 16b6 अपॉन ए स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज द फाइनल आंसर। पार्ट डब्ल्यू में वी हैव टू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर ब्रैकेट पी 3 माइनस 3 पी माइनस 2, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसमें, बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेट्स में हम जैसे मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद पी 3, जहाँ मैं इंडाइसेस का रूल जो है वो अगले स्टेप में लगा सकता हूँ। और फिर ये जो माइनस है इसमें मैं 3 को पहले लिख रहा हूँ और पी माइनस 2, और फिर इसके साथ जो है वो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने पी पी को साथ कर दिया है। और नाउ आई विल यूज द लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड सो पावर विल गेट एड अप, सो दिस विल बी 2 प्लस 3 5 एंड अगेन माइनस साइन 3, बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, पी पी पावर एड अप हो जाएंगी, माइनस 2 प्लस 2 जो है वो दैट विल बी इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2 प्लस 2 जो है वो 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 होती है तो आपको पता है वो 1 हो जाता है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पी 5 माइनस
थ्री एज इट इज आएगा और ये माइनस टू और प्लस टू जीरो हो जाएगा, पी की पावर जीरो वन हो जाएगा, वन को जब थ्री से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो पी फाइव माइनस थ्री आ गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वी हैव वन ओवर थ्री और ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है आई हैव टू गिव एवरीथिंग वन ओवर थ्री पावर, मुझे सबको देनी पड़ेगी जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 27 को भी वन ओवर थ्री पावर देनी पड़ेगी। तो 27 वन ओवर थ्री और वन ओवर थ्री मुझे पता है ये क्यूब रूट होता है, बेसिकली रैशनल इंडाइसेस है, तो एक्स सिक्स जो है उसको भी मुझे वन ओवर थ्री पावर देनी पड़ेगी, सिंस डबल पावर है तो आई विल यूज अ ब्रैकेट। और ये थ्री वन का थ्री और ये थ्री टू का सिक्स हो जाएगा मेरे पास, और 27 को जो है वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ थ्री क्यूब, तो थ्री क्यूब की होल पावर वन ओवर थ्री हो जाएगा, और इससे फायदा ये होगा कि थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बच गया, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि थ्री की पावर वन जो है वो थ्री होगी, और एक्स स्क्वायर किस तरह आया मेरे पास, क्योंकि थ्री टाइम्स वन इज थ्री एंड थ्री टाइम्स टू इज सिक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया, और यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो थ्री की पावर वन थ्री हो गया, तो थ्री एक्स स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ इंडाइसेस, काफी सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ताकि तुम लोग को आइडिया भी हो जाए कि किस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है। कुछ रिसेंट पास्ट पेपर रह गए तो वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लूंगा। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आप लोग को वीडियोज देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर कंफ्यूजन एज वेल, तो इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि यू हैव टू वॉच दिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। गुड लक फॉर योर असेसमेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अंटिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।